दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है आपकी जल जाए और आप में से काफी सारे लोग नीचे बहुत कमेंट में लिखेंगे उल्टी सीधी गालियां, लेकिन मेरा ये कर्तव्य बनता है गाइस कि अगर मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हैं तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उनको सही जानकारी दूं जैसा कि मुझे लगता है। तो गाइस मैं आपको आज सिर्फ इतना कहने आया हूं कि ट्रेडिंग स्टॉप कर दो बॉस, ट्रेडिंग स्टॉप कर दो। ट्रेडिंग से पैसे तो बनता है लेकिन कुछ टाइम के लिए बनता है। अगर आप अपने जीवन में अगले 10 साल 5 साल के लिए प्लान करोगे, अगले 15 साल 20 साल के लिए प्लान करोगे तो लिटरली गाइस आप एक ऐसा स्टेप आएगा, क्योंकि इसकी डार्क रियलिटी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने आया हूँ, है ना। इस वीडियो को छोड़ के जाने की बिल्कुल गलती मत करना दोस्त, क्योंकि अगर इस वीडियो को आपने छोड़ा तो आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दोगे, मेरी बात हमेशा याद रखना। और एक दिन इसी चैनल पर आओगे, इसी वीडियो पर आओगे और नीचे कमेंट करोगी कि प्रमोद भाई मैंने इस वीडियो को छोड़ के चला गया था लेकिन आज आके मैं इसी वीडियो को वापस देख रहा हूं और काश आपकी बात मैंने उस दिन सुन लिया होता, है ना। अधिकतर लोग यार 99% लोग मेरे को जितने भी हैं सब मुझे कह के यही बोलते हैं, प्रमोद भाई इतना लॉस हो गया, प्रमोद भाई ये हो गया, प्रमोद भाई नावी से लोन ले लिया, प्रमोद भाई मनीव्यू से लोन ले लिया, प्रमोद भाई क्रेडिट कार्ड बाउंस हो गया, प्रमोद भाई ये हो गया, प्रमोद भाई वो हो गया, यार लॉट्स ऑफ थिंग्स गाइज मैं बता नहीं सकता। ट्रेडिंग से क्या होता है, हमें कांटे वाला रास्ता है, ये कांटे वाला रास्ता है, हम कब तक, अगर तुम फूक फूक के कदम रखोगे तो तुम सही चलते जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी थोड़ी सी नजर हटी, किसी दिन थोड़ा सा कुछ लफड़ा हुआ, है ना, तो आप अपनी पूरी कैपिटल से हाथ धो बैठोगे। अब आप में से कई बुद्धिजीवी नीचे कमेंट करेंगे कि स्टॉप लॉस है भाई, स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। वही मैं कह रहा हूं कि आप फूक फूक के कदम रखोगे तो आप सही चलोगे, लेकिन जिस दिन आपने आप फूक के कदम नहीं रखा उस दिन वाइप आउट हो जाओगे, है ना। वही मतलब है मेरा स्टॉप लॉस से, मेरा वही मतलब है, इसलिए मैं ये चीज कह रहा हूं आपको। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस बंदे को आप सुन रहे थे, इसका नाम है प्रमोद और इसके चैनल का नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी और जिंदगी। तो इसने क्यों ट्रेडिंग को ना सपोर्ट करते हुए इन्वेस्टिंग को क्यों सपोर्ट कर रहा है, ये बोल रहा है कि ट्रेडिंग को अवॉइड करिए और डू स्टार्ट इन्वेस्ट, क्यों इस ये बोल रहा है। आइए चलते हैं, इसका पूरा वीडियो देखते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि क्या इसने लॉस किया है, किस तरह से इसने अपने पूरे ट्रेडिंग अकाउंट को वाइप आउट कर लिया है। तो इसीलिए पहले इसके पूरे वीडियो को देखते हैं, फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं अपना दूंगा। आइए चलते हैं वीडियो। चाहूंगा आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बताने वाला हूं जिसके बाद आप खुद कहोगे, बहुत सारे एग्जांपल्स बताने वाला हूं। मैं आने वाली वीडियो में अपना पीएनएल रिपोर्ट दिखाऊंगा और अभी एग्जांपल सुनो। एक लेडीज है उड़ीसा की, है ना, अगर आपको लगता है कि मैं ये चीजें फेंक रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, आपको मिलाऊंगा मैं, है ना। वो किसी कारण में सुनगी, प्राइवेसी के कारण चैनल पे आ नहीं सकती, नहीं तो मैं आपको मिलाऊंगा उनसे, मैं खुद मिलाऊ लिटरली, है ना। अभी मैं फिलहाल रायपुर में हूँ, मैं उनसे जस्ट मिला कुछ दिन पहले, है ना। तो गाइस क्या हुआ, बेसिकली मैं बता रहा हूँ आपको, अपने हस्बैंड को नहीं पता है, उनके हस्बैंड को नहीं पता है कि उनके साथ क्या हो गया। उन्होंने पास के जो पैसे थे वो तो पूरे वाइप आउट कर दिए, साथ में उनकी ज्वेलरी थी, ज्वेलरी को उन्होंने रख दिया है और उसके जो पैसे आए थे वो भी सब खत्म कर दिए और साथ ही साथ अपने रिलेटिव से कुछ पैसे भी ली, इसलिए ली कि मैं रिकवर कर सकती हूँ इन चीजों को। तो उन्होंने ये करके ली और वापस से सब कुछ खत्म हो गया। मतलब अब समझो कि उनके जेवर भी रखे, अभी उनके हस्बैंड को नहीं मालूम है, है ना। अभी उनके किसी के हस्बैंड अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है वाइफ की पिटाई ना हो जाए आज, या मतलब जो भी है, मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ, बस इतना कहना चाह रहा हूँ बॉस कि देखो यार स्टॉप कर दो दोस्त, ट्रेडिंग स्टॉप कर दो यार, इन्वेस्टिंग चालू कर दो। उनकी वाइफ को पता नहीं है, हस्बैंड को पता नहीं है अभी, है ना। कहीं जाएंगे पार्टी में, फंक्शन में और जेवर नहीं पहनेंगे तब तो मालूम चलना ही है ना बॉस। और बात मालूम चलने की नहीं है यार, बात सब कुछ खत्म होने की है कि कितनी मेहनत से जेवर बने होंगे, कितनी मेहनत से काफी सारी चीजें हुई होंगी। वो मुझे कहती है प्रमोद सर, बोले मैं क्या करती हूँ, बोले वो मैं जल्दी जल्दी टिफिन बना देती हूँ, जल्दी जल्दी सब कुछ कर देती हूँ कि जल्दी से मेरा 9:30 बजे तक पूरा काम हो जाए और मैं ट्रेडिंग में आ जाऊं, बोले, है ना। ऐसी स्थिति हो गई और मेरे सामने रो रही थी वो, मतलब मेरे सामने रो रही थी, देखा नहीं गया यार, देखा नहीं गया, लिटरली बता रहा हूँ। ये तो एक चीज है। दूसरी चीज, अभी एक बॉस से बात हुई मेरी, अभी जस्ट रिसेंटली बात हुई, अभी आज कल ही बात हुई है मेरी, है ना, नागपुर से है वो। उन्होंने मतलब इतना सारा लॉस कर दिए हैं, अपने पास के जो पैसे थे 3-4 लाख रुपए वो तो पूरे जा ही चुके हैं। बोले ऐसा नहीं प्रमोद भाई कि मेरा प्रॉफिट नहीं होता, बॉस प्रॉफिट भी होता है। मैं 10 दिन तक कंटिन्यू प्रॉफिट किया, बोले, लेकिन 11वें दिन में मेरा पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया, बोले। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट। अगर आपको ये चीजें पर ट्रस्ट नहीं होता तो मैं मिला दूंगा आपसे, आप में से नीचे लोग बकेंगे, मेरे को मालूम है। अगर आप कमेंट अगर नहीं देख रहे हैं तो जाओ भाई, जाओ, किस बात के इंतजार है, नीचे देखो लोगों ने बका हुआ है मेरे को, जाओ जाके देखो,
है ना, और तुम भी बक दो, है ना। मेरे को बकने से कोई मतलब नहीं भाई, जो करना है कर दो। बस मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ बॉस कि ट्रेडिंग स्टॉप कर दो, वरना किसी भी दिन, आज नहीं तो कभी, तुम इस वीडियो पे आओगे और मुझे बोलोगे कि प्रमोद भाई आपकी मैं उस दिन वीडियो देखा, आपकी बात नहीं माना और आज मुझे एहसास हुआ कि आपकी बात मान लेना था। ट्रेडिंग स्टॉप कर दो दोस्त, ट्रेडिंग स्टॉप कर दो, इन्वेस्टिंग चालू कर दो, म्यूचुअल फंड चालू कर दो। यार मेरे एक दोस्त है अभी, उन्होंने जस्ट अभी बात हुई, वो कहते हैं प्रमोद भाई मैंने म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया, एक साल तक किया, मेरा एक से डेढ़ साल में मेरा कैपिटल डबल हो गया, एक से डेढ़ साल में मेरा कैपिटल डबल हो गया, लेकिन बाद में मैंने स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया और मेरा एक रुपए का लॉस नहीं हुआ, मैं ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहा, बोले। लेकिन अब जब मैंने अपना कैपिटल जोड़ लिया था, बोले, और मेरे कुछ दोस्त ट्रेडिंग करते थे, बोले, तो कम टाइम पे अच्छा रिटर्न देखा मैंने, बोले, मैंने भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया, बोले, और सब कुछ खत्म हो गया, एवरीथिंग यार, सब कुछ खत्म हो गया, है ना। आप बोलते हैं प्रमोद भाई मैं मैरिड हूं, बोले, मेरा बच्चा है, बोले, और इसी चक्कर में मैं वाई फाई से झगड़ा वगड़ा भी हो गया, बोले, काफी सारी चीजें हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई यार। एक ही चीज कहना चाहूंगा, मत करो बॉस, और मैं खुद भी एक्सपीरियंस किया हूं यार, प्रॉफिट बनता है, है ना, इसमें कोई शक की बात नहीं कि प्रॉफिट नहीं बनता, प्रॉफिट बनता है, अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है, बहुत प्रॉफिट बनता है। लेकिन आप जिस दिन कदम फूंक के रखना छोड़ दोगे, उस दिन लफड़ा हो जाएगा यार, मार्केट आपको फंसाती है हमेशा, समझ लो एक दलदल में बैठे हो आप, दलदल आपको खींचने की कोशिश करती, खींचने की, वो चाहेगी कि इसको कैसे ना कैसे मैं खींच लूं, मतलब ये होता है। और आप जिस दिन थोड़ी सी मिस्टेक किए, आप अभी आप तो जोधा बनोगे, क्योंकि अभी आपका प्रॉफिट चल रहा है, जब तक प्रॉफिट चलेगा तब तक आप तक तो जोधा बनोगे कि हम ये है वो है ऐसा है वैसा है, चलेगा। लेकिन जब लॉस हो जाएगा ना, तब मेरी बात ये आपको सच लगने लगेगी, अभी नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि अभी प्रॉफिट हो रहा है। अभी जिनका लॉस हो रहा है वो इस चीज को समझ पाएंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूं, है ना, लेकिन आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है, मत समझो, मेरा पैसा तो नहीं जा रहा है मेरे पास का, है ना, मेरे जेब से तो नहीं जा रहा है, आप ट्रेडिंग करोगे आपका नुकसान होगा। अरे दोस्त, ट्रेडिंग के अलावा भी पैसा बनता है, बस हमारी बुद्धि जो है ना बस उस चीज में घुस चुकी है, तो हमको लगता है कि अब उससे ही बनेगा, और इतना पैसा तो कहीं है ही नहीं है। मैंने भी पहले वीडियो बनाया हूं, मैं मानता हूं, लेकिन मैं है कह रहा हूं, ट्रेडिंग से ज्यादा पैसा है और दूसरी जगह में है, और कम रिस्क के पैसे है और बहुत ज्यादा पैसे है, है ना। अगर बात को समझ पा रहे हो गए तो मुझे बताइएगा, नहीं नहीं तो नीचे आराम से कमेंट में जाइए, एंटरटेनमेंट कीजिए, वहां लोग बक रहे होंगे, आप भी बको, और जो दो चार लोग हैं उनको भी बुलाओ और साथ में बको, है ना। बकने से मेरे को कुछ नहीं होगा बॉस, क्योंकि हम तो हैं ही ऐसे, सही कि नहीं, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्त, जो नए नए आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं नए नए गुलछर्रे जो 10वीं क्लास पढ़ रहे हैं, वो मेरे को मैसेज करते हैं, अरे प्रमोद भाई, बोले, ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करूं, अब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। अबे पागल हो क्या, अभी अंडे से निकले हो तुम साला, और तुमको अभी से बस ये करना है, अभी तुम अंडे से निकले हो, तुम्हारा छिलका भी अच्छे से वो नहीं हुआ है, और तुमको ट्रेडिंग करना है। अरे बर्बाद मत हो जाना भाई, पार्ट टाइम पैसे कमाने के चक्कर में अपने घर बार बर्बाद मत कर देना, है ना। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, मत करो दोस्त, छोड़ दो, स्टॉप ट्रेडिंग, स्टार्ट इन्वेस्टिंग गाइस, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग क्या होगा, इन्वेस्टिंग समझो, आपका जो शेयर मार्केट का ऐप है वो समझो आपका घर है, और घर में हम कैसे सजाते हैं, हमको अलमारी लेना है भैया, फ्रिज। तो आपने ये वीडियो पूरा देख लिया होगा आई होप, तो इसमें ये बंदा यही बोल रहा है कि अवॉइड ट्रेडिंग एंड डू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, बिकॉज क्योंकि मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में मतलब कि जल्दी पैसा बनता है और जल्दी लॉस भी होता है, ये भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तब आपके इमोशंस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आपकी माइंड साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है। तो अगर इन चीज़ों के लिए आप एक्टिव हैं, मीन्स आपको कोई दिक्कत नहीं है, देन आप डू स्टार्ट ट्रेडिंग। तो इसीलिए अगर आप ज़्यादा मेंटली हेल्दी नहीं है और टाइम भी नहीं है अगर आपके पास, तो डू स्टार्ट इन्वेस्ट करिए, हर कोई कर रहा है। बट यदि आप ट्रेडिंग करें, देन आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, आप कितना रिस्क ले सकते हैं एक ट्रेड पर, और कितने कौन से टाइम पर आपको ट्रेडिंग करनी है, एक आपका फिक्स टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी भी आप आए और ट्रेडिंग करने लगे तो ये टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि जो मॉर्निंग टाइम होता है काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम होता है, और लास्ट के जब 3 PM पर भी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम एक्टिव होता है, बीच में मार्केट साइडवेज भी हो जाती है। तो ये सब आपको, आप जिस टाइम पर ट्रेड करेंगे तो उस टाइम पर आपको एक्यूरेट पता चलता रहेगा। तो अगला जो रिस्क मैनेजमेंट और ये टाइमिंग के बाद आपको कितनी कैपिटल के साथ ट्रेड करना है, आपको आपकी कैपिटल पर कितना रिस्क लेना है, ये सारे के सारे आपको कौन कौन से पैटर्न आते हैं, किस किस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें जब तक आपको पता नहीं होंगे, देन आप ट्रेडिंग में लॉस ही करोगे। तो यही बंदा ये बता रहा है कि अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो, ट्रेडिंग से लॉस कर रहे हो, तो कृपया उससे दूर ही रहें और जितना हो सके इन्वेस्टिंग करें। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़ना ही चाहते हैं, देन शेयर इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट क्रिएट किया जा सकता है। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ऐसे ही आपके लिए और भी वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। और नेक्स्ट हमारे जो कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं कि किन किन चार्टों पर कौन कहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, ये सारे चार्ट पर अप्लाई करते हुए एक PDF मैं जनरेट कर रहा हूँ, आई होप ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, देन आपको मैं ये फ्री में सभी को फ्री में ही दूंगा, किसी कोई पेड कोर्स नहीं होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।